हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तत्सम तद्भव। ठीक है, तो पहले हम तत्सम देख लेते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कुक्षी, इच्छु, कृषक, ग्राम, तीर्थ, नृत्य, हास्य, अमूल्य आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं तद्भव। ठीक है, अब हम तद्भव देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं, ठीक है, जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे रात्रि, रात्रि का तद्भव रात। ठीक है, ग्रह, ग्रह घर। सूर्य, सूर्य का तद्भव सूरज। ठीक है, नृत्य, नृत्य में तद्भव नाच। हास्य, हास्य में हंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमूल्य, अमूल्य का तद्भव अमोल। ठीक है, पत्र, पत्र का पत्ता। दुग्ध, दुग्ध में चेंज होगा तो दूध। ठीक है, मस्तक, तत्सम शब्द हो जाएगा मस्तक, मस्तक एंड तद्भव हो जाएगा माथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वचन। वचन के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद, वचन के भेद एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन एंड बहुवचन। ठीक है, अब हम देखते हैं एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उससे एक वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, चूहा, कुत्ता, गाय, घोड़ा, गधा, शेर, माता, पिता, बैग, पुस्तक आदि के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुवचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी
अदिश के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चूहे, गाय, घोड़े, बकरे, पुस्तकें, कपड़े, पेंसिलें, लड़के, लड़कियां, स्त्रियां, बेटियां। ठीक है, ये सारे शब्द बहुवचन के हैं। ठीक है,